दोस्तों, आपने बर्फी तो बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन इस रेसिपी में मैंने स्पेशली खोए को अच्छे से भूनकर एकदम रोस्टेड करके बर्फी बनाई है। इसमें सच में खोए का टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। इस रक्षाबंधन आप ये बर्फी बनाकर देखना। इसको बनाना सच में बहुत आसान है और बेस्ट बात है कि आपको ज्यादा सामान की जरूरत ही नहीं है। थोड़े इंग्रेडिएंट से ही इतनी बढ़िया बर्फी बन जाती है। दोस्तों, रोस्टेड खोया बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 10 इलायची का इस्तेमाल किया है। साथ साथ मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लगभग 200 ग्राम तक यानी कि एक कप तक चीनी ली है, यानी कि एक लीटर दूध के लिए 100 ग्राम आपको चीनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 लीटर तक फुल क्रीम दूध लिया है। आप यहाँ पर काऊ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी बढ़िया बनती है। लेकिन सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आप इलायची को कूट लेना। अगर आप चाहो तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी बर्फी में डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इलायची के दानों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उनको कूट के ही डाला है और छिलकों को निकाल दिया है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी मिठाई बनानी है ना, तो आपको लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए और लोहे की कढ़ाई साफ होनी चाहिए। साफ सफाई से मुझे याद आया कि मुझे किचन साफ बहुत पसंद है, लेकिन हर किचन में सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं कॉकरोचेस। इस लॉकडाउन में पेस्ट कंट्रोल करवाना इज नॉट सेफ। जिसका हिट ने बहुत ही बढ़िया इलाज निकाला है वो है हिट का एंटी रोज जेल, और ये सबसे इजी टू यूज है, वो भी बिना किचन खाली करे। आपको पूरे किचन में बस 20 डॉट्स लगाने हैं और आप 45 दिन के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री। इससे कॉकरोच और कॉकरोच के रिश्तेदार आपके किचन में दावत करने नहीं आएंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट इसकी कोई स्मेल भी नहीं है। कोशिश करना आप यहाँ पर लोहे की कढ़ाई लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना और फिर आपने यहाँ पर दूध डालना है। ध्यान रहे, अभी आप इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना। हाई फ्लेम पर आप पकाओगे तो थोड़ा जल्दी पकेगा, आसानी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको स्टर करना है बार बार, बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहना, दूध अपने आप ही करने भी लग जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप 50% पर आ जाओ, यानी कि आप दूध को 50% कढ़ा लो, तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी कि दूध पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो जब 50% दूध पे आप आ जाओ, तो आप इसको स्टर करना शुरू कर देना अच्छे से, साइड्स को स्क्रेप करना शुरू कर देना, और धीरे धीरे जब आप स्टर करते रहोगे तो आप ये देखो, आप बिल्कुल खोए वाली स्टेज पर आ जाओगे, है ना दोस्तों। आप यहाँ पर बुलबुलों पे नजर रखना, जो बुलबुले आ रहे हैं ना, वो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है खोया बनाने तक। जैसे ही आप इस स्टेज पर आ जाओ कि बुलबुले कम हो जाएं, फिर आप यहाँ पर गैस को लो फ्लेम पर कर देना, क्योंकि रोस्टेड खोया बर्फी बनाने के लिए आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो गैस को अब आपने एकदम लोएस्ट फ्लेम पर पकाना है। तो इस टाइम पर आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल देना और साथ साथ एक कप जो चीनी थी ना, वो भी इस टाइम पर डाल देना। जब मैंने आपको पेड़े की रेसिपी दिखाई थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उसमें कैरमल बना के किया था। रोस्टेड खोया बर्फी में चीनी को साथ में ही भुना जाएगा। आप यहाँ पर टेम्परेचर पे ध्यान दो कि अभी खोए का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है दोस्तों। ये देखो, आप 80 डिग्री के आसपास है एकदम लो फ्लेम पर भी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ धीरे धीरे करके खोए को भुनना है बहुत आराम से। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसको इतना नहीं भुनना कि खोए से घी ही अलग हो जाए। आपको इसको इतना भुनना है कि चीनी भुने लेकिन खोए से फैट अलग ना हो। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हाई फ्लेम पर मत करना, लो फ्लेम पर आराम आराम से करना, खोया बहुत सही तरीके से भुनेगा चीनी के साथ। धीरे धीरे भुनते भुनते आप देखना खोए में कलर आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस स्टेज पर आ जाओ, ये देखो खोया फर्म नहीं है अभी, अभी भी सॉफ्ट है, हल्का सा लिक्विडी है। इस स्टेज तक ही आपने पकाना है। अगर आपने हार्ड होने तक खोए को पकाया तो आपकी बर्फी बिल्कुल पत्थर बन जाएगी, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। एंड में खोए को और भुनने के लिए हम यहाँ पर टेम्परेचर का फायदा उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली लोहे की कढ़ाई यूज कर रहे हैं और साथ साथ चीनी का इंटरनल टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा घी लगा देना, जिससे कि खोया जो है वो तले पे चिपके ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला देना और इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देना। आप ये देखो, इसका इंटरनल टेम्परेचर बहुत देर तक गर्म ही रहेगा दोस्तों, जिससे कि खोया और पकेगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे करके जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आना शुरू होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब ढक्कन खोल के। ये देखो, इसमें कलर और भी डार्क हो गया है, वो और भी कैरमल हो गया है। हाँ, लेकिन ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा गर्म ही है। मैंने बस ये किया है कि मैंने एक ये बर्फी वाली प्लेट ली है, बर्फी वाली प्लेट, और सबसे पहले इस प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया है।
में थोड़ा सा पिस्ता बिछा लिया है और फिर उसके ऊपर खोए को लगा दिया है। जब ये हल्का सा गर्म हो ना तभी, ये देखो इतना टेम्परेचर है अभी, इतना है कि मैं हाथ आराम से लगा पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी खोया हल्का सा गर्म ही है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है खोया। बस इस स्टेज तक आपने यहाँ पर इसको बिछा देना है, क्योंकि इसके बाद जब खोया रखा जाएगा ना तो वो थोड़ा सेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको काटना नहीं है। नहीं नहीं दोस्तों, आप इसको 6 घंटे तक रेस्ट होने देना, फिर आपकी बर्फ़ी आराम से कटेगी। पहले काटोगे तो वो सेट ही नहीं होगी, सही से कटेगी ही नहीं। बस 6 घंटे बाद मैंने थोड़ा पेशेंटली वेट किया है और फिर यहाँ पर बर्फ़ी को काटा है, और अब देखो कितने आराम से कट पा रही है बर्फ़ी। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाता हूँ, ये देखो अब कितनी सॉफ्ट बनी है बर्फ़ी। और यही नहीं, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप इसको 12 घंटे बाद खाओगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा इसका टेक्सचर। लेकिन आप इसको बना कर देखना, सिर्फ दूध, चीनी और इलायची से इतनी बढ़िया बर्फी आप बना पाओगे कि सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। इस रक्षाबंधन अपनी बहन के आने से या अपने भाई के घर पे आने से पहले अपने किचन में कॉकरोच का खात्मा करें इस एंटी रोज जेल से। आप इसको इस्तेमाल करके देखें और स्पेशली ये बर्फी बनाकर देखें। मैं जानता हूँ फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी।